मूवी के स्टार्टिंग में हम ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर आई होती है। दरअसल उसका फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ होता है जिसे आज यहाँ बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी और इसीलिए वह अपनी डॉटर के साथ यहाँ आया हुआ था। यहाँ उसकी डॉटर ली उससे पूछती है कि क्या वो उसके बिजनेस की डील में उसके साथ चल सकती है, जिस पर उसका फादर उसे मना कर देता है और उससे पूछता है कि वह कैसे लग रहा है, जिस पर ली उससे कहती है कि वह बहुत अच्छे लग रहे हैं और उठकर उनके शर्ट को ठीक करने लगती है। जिसके बाद उसके फादर कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ ली भी उन्हें ऑल द बेस्ट कहती है। अब ली अपने कमरे में अकेली थी और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह अपने फादर के कपड़ों को ठीक से मैनेज करने लगती है और उसके बाद एक हॉट वाटर का शावर लेती है और शावर लेने के बाद हीरोइन बनकर होटल में घूमने लगती है। हालांकि उसके फादर ने उसे होटल में घूमने से मना किया था, फिर भी वो घूम रही थी क्योंकि उसे वाटर बॉटल की जरूरत थी। और जब वो वाटर बॉटल ले लेती है तो एक लिफ्ट से होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी उस लिफ्ट में एक और आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम क्रिस्टिन होता है। क्रिस्टिन जैसे ही ली को देखता है मानो वो पिघल सा जाता है और उसके चार्मिंग लुक की तरफ बार बार देखने लगता है और लिफ्ट का बटन दबाने के बहाने उसे टच भी कर लेता है। पर ली यहाँ ये सब बातों को नोटिस नहीं कर रही थी और अपनी ही मस्ती में एक बगल गम को फुला रही होती है और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन देख रहा है। पर क्रिस्टिन की नजर ली के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी क्रिस्टिन का फ्लोर आ जाता है और वो लिफ्ट से नीचे उतर जाता है। पर लिफ्ट से उतरने के बाद भी वो क्रिस्टिन को देखने की कोशिश करता है पर तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए वो उसे नहीं देख पाता। अब ली अपने कमरे में पहुंचती है और देखती है कि उसके फादर वहां पहले से ही आए हुए हैं और वो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए बाहर क्यों चली गई, जिस पर ली उनसे कहती है कि वह सिर्फ एक वाटर बॉटल लाने गई थी। पर यहां उसके फादर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर ली सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। ये सुनकर उसके फादर ली उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है। और ऐसा कहकर वह उसे बताते हैं कि आज होटल मैनेजमेंट ने एक कॉर्पोरेट डिनर रखा है जिसमें हमें शामिल होना है और उसमें तुम भी मेरे साथ चल रही हो। और ऐसा कहकर वो ली को तैयार होने के लिए कहते हैं। अब ली भी तैयार हो जाती है और उसके फादर उसे देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और ऐसा कहकर वह उसे अपने साथ कॉर्पोरेट पार्टी में ले जाते हैं। अब पार्टी में आने के बाद ली देखती है कि उसके फादर एक आदमी से हाथ मिला रहे हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टिन है जो उसे लिफ्ट में घूरे जा रहा था। यहाँ ली के फादर क्रिस्टिन को अपनी बेटी से मिलवाते हैं और उसे कहते हैं कि यह मेरी डॉटर है और ली को बताते हैं कि यह दूसरी कंपनी के परचेजिंग मैनेजर है। यहाँ क्रिस्टिन भी ली को हेलो बोलता है कि तभी ली के फादर क्रिस्टिन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास 2 मिनट है, जिस पर ली हाँ क्यों नहीं बोलता है और यह सुनकर ली के फादर उसे हक करके क्रिस्टिन से बात करने चले जाते हैं। ली भी यहाँ अपने डैड का हौसला बढ़ाती है और उनसे कहती है कि डील लेकर ही आना डैड, और ऐसा कहकर वो पार्टी में आए और भी लोगों से बात करने लगती है। इधर ली के फादर क्रिस्टिन से बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये सब ली भी देख रही होती है। तभी ली देखती है कि उसके फादर क्रिस्टिन से बात करते हुए खुश नहीं है, वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। और जब क्रिस्टिन उनके पास से चला जाता है तो ली अपने फादर के पास आती है और उनसे पूछती है कि वह इतना ज्यादा दुखी क्यों है, जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि उन्हें ये डील नहीं मिलेगी, जिस पर ली उनसे पूछती है कि क्या वह इस बारे में उनकी मदद कर सकती है, जिस पर उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम क्या मेरी मदद कर पाओगी, मुझे वो डील दिला सकती हो क्या। और ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सबके सामने डांट खाने पर ली को बहुत बुरा फील होता है, रोते हुए टेरिस पर चली जाती है और वह देखती है कि वहाँ पहले से ही क्रिस्टिन मौजूद है कि तभी क्रिस्टिन उसे देखकर उससे पूछता है कि ओस्लो सिटी तुम्हें पसंद आई या नहीं, जिस पर ली क्रिस्टिन से कहती है कि उसे ये शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तभी क्रिस्टिन उठता है और ली के पास आता है और अपना मफलर निकाल कर उसके गले में लपेट देता है और उससे कहता है कि ठंड बहुत हो रही है। ये देखकर ली उससे कुछ नहीं कहती पर तभी क्रिस्टिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, जिस पर ली उसे बताती है कि उसके डैड के काम के कारण वह एक जगह कभी नहीं रहती, उन्हें अपना घर हर वक्त शिफ्ट करते रहना होता है और लास्ट टाइम उसने स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। ये सुनकर क्रिस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें लोनली फील नहीं होता क्या, जिस पर ली उससे कहती है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता क्योंकि वह हर नई जगह जाने पर अलग अलग लोगों से मिलती है जिससे उसे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता और ये सुनकर क्रिस्टिन को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल क्रिस्टिन ही वो आदमी था जो ली के फादर को उसकी कंपनी के लिए यह डील दे सकता था क्योंकि वह दूसरी कंपनी के साइड का परचेजिंग मैनेजर था। अब ली अपने गले से क्रिस्टिन का दिया हुआ मफलर निकालती है और उसे वापस देकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कॉर्पोरेट कंपनी के हो रहे डील को देखते हैं जिसमें ली भी अपने फादर के साथ शामिल हुई थी। यहाँ ली के फादर क्रिस्टिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उन्हें उसकी कंपनी का यह डील दे दे और बदले में वह उन्हें बहुत ही कम कीमत पर एक बेहतरीन क्वालिटी का कारपेट बना कर देंगे। और क्रिस्टिन ली की डैड की बात से खुश नहीं होता और उनसे कहता है कि उन्हें पहले अपनी प्राइस कम करनी होगी तभी वह उन्हें डील देगा। और साथ ही में हम देख पाते हैं कि क्रिस्टिन अपने बगल में बैठी ली को टच करने की कोशिश कर रहा है पर ली उसके इस बिहेवियर से खुश नहीं होती और अपने पैरों को हटा लेती है और वो अपने फादर की तरफ देखने लगती है। पर ली के फादर ये सब देखकर
भी अनदेखा कर रहे थे और साथ ही में मुस्कुरा भी रहे थे। पर यहाँ ली को कुछ समझ नहीं आता कि उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद ली अपने फादर के साथ बाहर जाती है और उनसे बोलती है कि क्रिस्टन बहुत वेड किस्म का इंसान है, जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग ऐसे ही होते हैं, वो बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। और ऐसा कहकर वह उसे शाम की हो रही पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। और ली अपने फादर से कहती है कि वो होटल के कमरे में ही रुकना पसंद करेगी, जिस पर उसके फादर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस पार्टी में तुम्हारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहकर वह उसके बिना मर्जी के ही उसे पार्टी में ले जाते हैं। और पार्टी में पहुंचने के बाद वह सभी मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं, पर तभी क्रिस्टन ली के पास आता है और उसे डांस के लिए अपने साथ ले जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। जहां ली भी क्रिस्टन से पहले कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, पर बाद में वह भी क्रिस्टन के साथ कंफर्टेबल फील करने लगती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी नजर उसके फादर पर जाती है तो वह देखते हैं कि उसके फादर एक औरत के साथ मजदारू पी रहे हैं और वो अपनी ही मस्ती में धुना है और वो ली की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इधर क्रिस्टन ली को अपने साथ धीरे धीरे पार्टी के एंड तक ले जाता है और उसे डांस करने के बहाने उसकी बॉडी को टच करने लगता है। और ये देखकर ली भी अब क्रिस्टन के साथ थोड़ा ओपन होने लगती है। जब ली अपने फादर की तरफ देखती है तो वह नोटिस कर पाती है कि उसके फादर ये सब देखकर भी वहाँ से चले गए हैं। कि तभी क्रिस्टन ली से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो हम बाहर चले, जिस पर ली हाँ बोल देती है, जिस पर क्रिस्टन उसे अपने साथ पार्टी के बाहर ले जाता है और उसके बाद वो उसे अपने सीधा कमरे में ले जाता है। जहाँ तो वो पहले ली को ड्रिंक करने के लिए एक वोडका देता है और ली भी उस वोडका को हाथ में लेकर पीना चालू कर देती है। कि तभी क्रिस्टन उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है, जिससे ली भी काफी ज्यादा तेजी हो जाती है और उसके साथ संबंध बना बैठती है। और जब ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं तो क्रिस्टन ली से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ली को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिस्टन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो उसे बिना बात किए क्यों चला गया। इसलिए वो अपने कपड़े पहनती है और वापस पार्टी में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके फादर क्रिस्टन के साथ बातें कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और ये देखकर ली अंदाजा लगाती है कि शायद उन्हें वो डील मिल गई। और तभी वो अपने फादर के पास जाती है जहाँ उसके फादर उसके कान में बताते हैं कि उसकी वो डील मिल चुकी है। और ये सुनकर ली एक ड्रिंक अपने हाथ में लेती है और उसे पीने लगती है। और साथ ही में वो क्रिस्टन की तरफ देखने की कोशिश करती है तो क्रिस्टन अपनी नजरें उससे चुराने लगता है। और ये देखकर ली को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि उसके फादर ने इस डील को पाने के लिए उसका कैसे इस्तेमाल किया। और इसीलिए वो अपने फादर को चेयर्स करते हुए कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और ये सुनकर ली के फादर को ये वर्ड्स बहुत ज्यादा चुभता है और वो उससे कहता है कि शायद तुमने आज बहुत ज्यादा ही पी ली है और इसीलिए तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। और तभी ली अपने फादर के हाथ को झटक कर क्रिस्टन को किस कर लेती है और वहां से चली जाती है। अब ये देखकर ली का फादर उसके पीछे आने लगता है और ली को समझाने की कोशिश करने लगता है। और तभी ली एक टैक्सी को आवाज देती है और यहाँ उसके डैड उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और ली को समझाता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, वह एक दिन का वेट करे वो सब चीज ठीक कर देगा। जिस पर ली उससे कहती है कि आपने बहुत अच्छे से मेरा इस्तेमाल किया डैड और ये देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि आप कितने गिरे हुए इंसान हो। और ऐसा कहकर वो टैक्सी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। और देखा जाए तो ली के साथ यहाँ बहुत बुरा हुआ, एक तो उसके पहले प्यार ने उसे धोखा दिया और फिर उसके सगे बाप ने उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस के पर्पस के लिए किया। और इन्हीं बातों को सोचकर ली अपने फादर को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का रिकैप यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।